लेके भाई आप लोग लॉजिक गेट देखो भाई अरे भाई फोकस करो आप लोग प्लीज एक क्वेश्चन बिल्कुल यही का आता है कभी मिस नहीं होता और नीट वालों को पता ही होगा कि आता ही लॉजिक है कभी मिस नहीं होता फ्री का नंबर है जितना आसान डायमेंशन था उतने इजी कौन है लॉजिक है बहुत आसान देखो भाई देखो अच्छा बात है नहीं बात यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में एक इनपुट साइड होती है ठीक और एक क्या होती है हमारी आउटपुट साइड होगी है ना और बीच में क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनपुट एंड आउटपुट आर रिलेटेड टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन लॉजिक सभी लॉजिक सुधारों में क्या है देखो भाई हमें एक एग्जांपल बता रहा हूं है ना आप वहां समझौता कॉम्प्लेक्स हमें लिख दिया है ना अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं ठीक है उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान समझो भाई प्लीज बात नहीं करना छोटे टॉपिक अभी खत्म हो गया थोड़ी देर में कंसंट्रेटिंग करो आपको जाके बेटा में पढ़ोगे बोलिए नजर का बोलियन 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 अलजेब्रा ये एक अलजेब्रा की नई फॉर्म होती है क्या बोलते हैं बोलियन अलजेब्रा नहीं तुमको पढ़ना है जैसे एक सिंपल सा मैं आपको बताऊं लॉजिक गेट कौन सा है स्विच को ऑन किया आपने है ना तो स्विच ऑन किया आपने तो ऑन ऑफ करना एक इनपुट हो गया और लाइट का जलना क्या हो गया सिंपल लॉजिक है ऑफ कर दिया तो क्या हो गया ऑन कर दिया ऑफ को बोलते हैं जीरो ऑफ को क्या बोलते हैं जीरो ऑन को क्या बोलते हैं सपोज में स्विच है स्विच ऑन किया आपने तो बोलेंगे उसको वन स्टेट पे ले आए और स्विच को ऑफ किया तो क्या बोलेंगे जीरो यहाँ वन जीरो चलता है बस कोई चीज ऑन है तो बोलेंगे वन है और ऑफ है तो क्या बोलेंगे जीरो अब देखो भाई भाई मुझे लगता है टॉपिक बहुत इजी है थोड़ा मैं तेजी से पढ़ाऊंगा इसलिए आप बहुत कंसंट्रेशन से बैठे क्योंकि बड़ा आसान ही है आप बस सुनते रहो आपको टफ लगे तो बता रहा हूं हाँ भाई
बनाए फिर बनाए कितने स्विच लगे बताइए, दो स्विच लगे और बल्ब को जलाना है, बहुत सिंपल है। तो अगर स्विच ऑन है उसको क्या बोलेंगे, वन, और ऑफ है तो जीरो। बल्ब जलेगा तो वन बोलेंगे और लाइट नहीं आएगी तो उसको बोलेंगे जीरो। अब भाई मुझे बताओ बल्ब को जलाने के कितने तरीके हो सकते हैं, उसका बताओ। इनका कहना है कि या तो ए का स्विच क्लोज कर दें या फिर बी का स्विच बंद कर दें या दोनों बंद कर दें, बल्ब जल जाएगा। और कब नहीं जलेगा, जब दोनों ऑफ होंगे तो नहीं जलेगा, ठीक है। तो इनका कहना है कि स्विच ये ऑन कर दो, कौन सा पहला स्विच, दूसरा क्या कर दो ऑफ कर दो, तब भी बल्ब जलेगा, ठीक है। पहला स्विच बंद कर दो आप, मतलब ऑन ना करो, और बी को ऑन कर दो तब भी क्या होगा, ठीक है। दोनों ऑन कर दो भाई, करंट जा रही ना बैटरी से, तब भी जलेगा। अगर मैं दोनों ओपन कर दूं तब नहीं जलेगा, समझ गए। आर मतलब कल बदलना आउटपुट है ना। तो देखो भाई 1-0 कितना हो गया। अब इनमें एक लॉजिक है, देखो लॉजिक क्या है, मैथमेटिकली सोचो क्या हो रहा है, मैथमेटिकली क्या हो रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो ए और बी का सम है। तो 1-0 कितना होता है, फिर 0-1, फिर 1-1-1, और 0-0, होता है। सर ये सम तो नहीं हुआ था, क्या बस ये याद कर लो, एक और एक दो नहीं होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली जो 1 और 1 होते हैं, पर आप देख लो इसका 1 होता है, अगर आप 1 और 1 को ऐड कर लो ना तो ये पूरे का जबरा होता है ना। यहाँ पे 1+1 को 1 लिखना है, कुछ होता तो 10 है ना। हाँ 1-1, यहाँ पे 1-0 होता है, कंफ्यूज नहीं करते आपको, आप 1-1 को 1 लिख लो, फालतू दिमाग में चलो बस, 1-1 क्या है, 1 है। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी होगी तो उसको पता होगा कि 1+1 होता है 1-0, अब जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको नहीं पता होगा। खैर क्या आपने क्या रटना क्या है आपने, 1+1 क्लियर। तो अब मुझे बताओ, तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, अरे ए बी और आर में क्या रिलेशन है यार, सम आ रहा है, आर कितना आ रहा है, इसको बताओ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये वही ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या बता रही है कि ए बी और आर में क्या रिलेशन है,
ट्रुथ टेबल, ट्रुथ सच्चाई, ट्रुथ टेबल और बी बी डेयर टेबल। अरे पूरे टेबल का नाम है, स्कूल टेबल का नाम है क्या? स्कूल टेबल का नाम है टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या हो गया बेटा? प्लीज बात नहीं, ये आपको अच्छा बात नहीं भाई प्लीज, ये आपको एबी और आर में क्या एस्टेब्लिश कर रहा है? रिलेशन, ठीक है। और ये इसका क्या है? ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा, समझिए। ये जो पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं और गेट। कौन सा गेट सर? और गेट हो गया, ओ आर और गेट। और गेट का मतलब होता है कि या तो ए या तो बी, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं भाई। कॉम्प्लेक्स हो गया तो एक मिनट, और गेट कौन सा है? और गेट है कौन सा? ये एक्सप्रेशन को और गेट बोलते हैं, ये जो लॉजिकल गेट है ना, अगर कोई ऐसा सिस्टम है, अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि जहां पे आउटपुट लेने के लिए कोई एक्सप्रेशन ऑन हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं और गेट, कि किसी एक स्विच के ऑन होने से हमारा काम चल जाएगा। समझ गया भाई? 12th के बच्चे ध्यान देंगे, ड्रॉपर्स को तो आता है सब, है ना? तो ए और बी में अच्छा नहीं पढ़ा तुमने, फिर तो ध्यान से पढ़ो भाई, तुम्हें पढ़ा नहीं भाई ना ड्रॉपर्स वालों ने, कोरोना वाले बच्चे ना तुम सब। तो देखो बेटा, और गेट का मतलब होगा कोई ऐसा सिस्टम कि इसमें दो स्विच लगे हों, है ना, और किसी एक स्विच के चलाने से हमारा काम चल जाए। और का मतलब ये दो ना, ए और बी, इसका मतलब समझो आप, और गेट का मतलब ए या फिर बी, ये यूनियन लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, समझे? तो मैथ्स में और का मतलब यूनियन होता था ना, और एंड का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन भी पढ़ा रहा हूँ, या तो ए या तो बी, समझे? तो ये वाला पद चल जाएगा, इसको होता है और गेट। इसका सिंबल होता पता क्या है? अगर कहीं पर ऐसा सिस्टम है उसके लिए सिंबल होता है ये, ये बता रहा है एक इनपुट ए है। देखो यहां हर चीज का सिंबल होता है, जैसे आपका पीएन जंक्शन का सिंबल था क्या ये, फिर आपने देखा एनपीएन पीएनपी का सिंबल से, वैसे यहां पे सिंबल होता है और गेट का। ऐसे ऐसे और ऐसे ए और बी दो क्या हो गए? इनपुट, और यहां पे आएगा आउटपुट। ये और गेट का क्या होता है? सिंबल हो गया। बड़ा ए इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया, आर क्या शो कर रहा है? हाँ क्या सुना है आपको? और गेट एक ऐसा सिस्टम है, शॉर्ट में सुन लो भाई, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आओ, एक ऐसा सिस्टम जहां पे दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। आउटपुट कब काम करेगा? या तो तुम्हारा स्विच ए ऑन हो या तुम्हारा स्विच बी ऑन हो, है ना? ऐसे सिस्टम को क्या होते हैं? और गेट। और का क्या मीनिंग है? आइदर ए और बी, कोई एक। और ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है जो कि ए और बी को ऐड करने से आती है, और 1+1 यहां पे कितना होता है? 1 होता है, बात खत्म, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया। अब देखो नेक्स्ट, भैया टाइम खत्म नहीं हुआ, नो बेटर होगा भैया, मैथ क्लास लेट जाएगी। चलो अपने आप इसकी ट्रुथ टेबल लाके दिखाओ। लेकिन भाई एड गेट वेरी गुड, गुड बड़ा रिलेशन कह रहा था वापस, मल्टीप्लाई कह रहा है, देखो नहीं आ रहा है, ठीक है देख लो सही, ठीक है।
चार कौन से नौ, चार मतलब ठीक है ठीक है, तुम्हें समझदार ठीक है। तो भाई ये बल्ब कब जलेगा, बड़ा बल्ब कब जलेगा, जब दोनों स्विच ऑन होंगे तो बल्ब जलेगा, कोई एक जगह ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, समझे। तो इसकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे कौन होगा ए होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे कौन होगा आउटपुट। अगर आपने दोनों को बन बन कर रखा है, दोनों स्विच बंद है, तो आउटपुट आने का एक ऑन एक ऑफ, बल्ब नहीं जलने का, एक ऑन एक ऑफ, बल्ब नहीं जलने का, दोनों ऑफ, बल्ब नहीं जलने का, समझ गए। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है, नहीं देखो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होता है, वो होता है आर इज टू क्या, ए इन टू बी, समझे। उसका सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया। ब्रांड का क्या मतलब है, ए एंड बी दोनों, और क्या क्या मतलब था, या तो ए या तो बी, समझ में आ गया। और मैं हल्का सा अंदर का यहाँ क्या है फ्लैग, और मैं पीला यहाँ पे दर है, मैं ये बोल रहा हूँ क्लियर। गेट खोल यार, ऑप्शन कमी हो जाएगी, देखो चल नेक्स्ट देखिए। फिर भाई एक बल लगी चल बनाओ भाई, देखिए नॉट गेट, नॉट मतलब नहीं, समझो भाई देखो नॉट गेट ठीक है भाई, नॉट गेट बताओ बल्ब कब चलेगा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने देखा बस तुम्हारी तरफ, तो हम फिर देख रहा था मैं। हाँ बताओ सुन लिया मैंने। अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता था शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता था कि अगर कोई सर्किट है और उसके क्रॉस एक जीरो रेजिस्टेंस का वायर लगा दिया जाए तो सारी करंट कहां से पास कर जाती है, और बाकी उसके पैरेलल में तो उसको बेकार कर देता है। अब बताओ स्विच ऑन होगा तो नहीं जलेगा, और ऑफ होगा तो जलेगा ना, क्योंकि अगर ये ऑफ है स्विच खुला हुआ है तो भाई करंट जा रही है ऐसे, है ना। तो इसका अगर ए की वैल्यू 1 है तो हमारा आउटपुट क्या है बताओ, नहीं। अगर ए ओपन है, खुला हुआ है, मतलब स्विच खोल रखा है, समझे, यार इधर काटो देखो भाई मैं क्या बोल रहा था, अगर आपने स्विच को ओपन रखा
तो करंट यहां से जाएगी बल्ब चलेगा आउटपुट आएगा। स्विच बंद कर दिया तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो अभी। तो अगर आपने किसी सर्किट में पैरेलल में जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा दिया तो सारी करंट यहां से आती हुई यहां से निकल जाएगी तो बल्ब में जाएगी नहीं। तो स्विच बंद करने पे चलते स्विच को बंद करने पे आउटपुट कितना हो गया जीरो। ठीक है इसको नॉट बोलते हैं। नॉट का मतलब तो उल्टा कर देना। जीरो को क्या कर देगा और वन को क्या कर देगा जीरो। तो इसकी ये क्या बन गया इसकी ट्रुथ टेबल बन गई है ना। और ये इसका सिंबल होता है ट्रायंगल के आगे ऐसे लगा दे नॉट। एक ही इनपुट होगा क्यों भाई इसका लॉजिक क्या भाई कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो। कॉम्प्लीमेंट्री देखो इसका लॉजिक बन गया एक उल्टा क्यों भाई। अरे एक उल्टा आ गया ना वन का क्या हो गया और जीरो का क्या हो गया। एक उल्टा को लिखते हैं ए बार। वन का उल्टा जीरो होता है और जीरो का उल्टा क्या होता है वन होता है। इसको बोलते हैं ए बार। ये इसका लॉजिक आ गया। बार का दसवां क्या वन का बार कितना होता है जीरो और जीरो का बार कितना होता है वन। कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये इसका क्या एक्सप्रेशन आ गया और ये क्या वन क्या वाला सिंबल किसका सिंबल आया भैया नॉट गेट का आगे वो रहेगा थोड़ा सा सर्कल टाइप का। इनपुट कितना होगा बताओ इसमें एक ही इनपुट और आउटपुट भी कितना एक ही आउटपुट। कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक और गेट हो ठीक है और गेट के आगे क्या लगा दिया आपने नॉट लगा दिया ऐसे चल गए। ए बी और इसमें सी लिख लेते हैं यहां सी लिख लेते हैं और इतने आप भाई देखते थोड़ा सी कितना है बताओ और गेट में क्या होता था ए प्लस बी या तो ए या तो बी ये तो होता था और गेट और वन प्लस वन तो बताओ ये जीरो जीरो आएगा कितना आएगा जीरो वन पे वन जीरो पे वन ये क्या बन गया और गेट हो गया। अब उसके आगे क्या लगाए ये उल्टा कर देगा भाई कैसे उल्टा करेगा बताओ जीरो का अपमान इसका ये बन गया नॉन गेट। इसका जो कंबाइंड सिंबल होता है उसको हम ऐसे बोलते हैं एक ही यूज करते हैं ऐसे इसके आगे बना दिया कैसे सर्कल समझ गए। ये क्या बन गया बताइए ये नॉर गेट का सिंबल होता है। तो इसमें और क्या क्या लगा होता है एंड लगा होता है और को क्या करो भैया रिवर्स मार हो गया ना ठीक है। नोट करो नॉर्मल अलजेब्रा चलती है सिर्फ एक एक्सेप्शन है समझे ना। जीरो प्लस जीरो कितना होता है जीरो। वन इंटू जीरो जीरो। वन इंटू वन वन। बस वन प्लस वन को वन करना है बाकी सब कुछ सेम होता है।
इसका लॉजिक क्या बनेगा भाई? क्या लॉजिक बनाया इसका? ए और बी को बना के उसका उल्टा कर दो, लॉजिक क्या है? ए प्लस बी विकेट नाइन, नाइन विकेट समझिए आप एड का क्या लगा दिए क्यों भाई? क्या नॉट लगा दिया तो क्या बन गया ये? नैंड गेट। टेबल क्या बनी इसलिए? एबीसी और यहाँ पे आर। टेबल हमने आप कंप्लीट करिए आप लोग। सर्कल उसके उसके लिए किसके लिए? नॉट के लिए। अभी बना देना सर। बताओ इसके टूटे हुए क्या बना? सी कैसा है? बताओ सी आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। यार ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा नंबर है? आर है। आर भी चाहिए। मैं इसे बहुत देर से देख रहा हूँ। ना तो जीरो का नंबर लग रहा है। विवान है? मैं इसे भी देख रहा हूँ। मुझे जेड लग रहा है। मैंने बाकी तो देखा ही नहीं पूरा। मैं जेड को देख रहा था। ये वन है? कितना भाई? पहले तो मल्टीप्लाई होके आएगा 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0, फिर उसको उल्टा कर देगा भाई 0 1 1 1। क्या कर देगा? भी बार पहले भी को मल्टीप्लाई किया, उसका क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। हाँ भाई सर।